नमस्कार, आप सभी को तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते हैं। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा बिहार न्यायिक अकादमी में न्यायाधीशों तथा वकीलों को संबोधन। निर्वासित तिब्बती सांसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगे ने भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई दी। निर्वासित तिब्बती सांसद के उप अध्यक्ष आचार्य ईशी फुनसोक द्वारा गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव और बाबा दीप सिंह की जयंती पर संबोधन। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित पंथ निरपेक्ष नैतिकता पर तीसरी मेंटर कार्यशाला संपन्न। यूरोपीय संसद में तिब्बत इंटरेस्ट समूह का गठन। अब सुनिए समाचार विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी ने बिहार न्यायिक अकादमी में प्यार और करुणा को अपने जीवन में शामिल किए जाने के विषय पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और वकीलों को संबोधित किया। उनके अकादमी परिसर में आगमन पर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। परम पावन दलाई लामा जी ने इस अवसर पर परिसर के बगीचे में पौधारोपण किया। परम पावन दलाई लामा जी ने भाइयों और बहनों के साथ अपने संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम 7 अरब इंसान शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से एक समान है। हम सभी मनुष्य अपने जीवन में खुशी और प्यार प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि भारत एक लोकतंत्र देश है जहां कानून के नियम अनुसार कार्य होता है। परिणाम स्वरूप भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद यहां शांतिपूर्ण वातावरण कायम है। भारत में रह रहे सभी लोग मौलिक अधिकारों का आनंद ले रहे हैं क्योंकि यहाँ कानून का शासन अच्छी तरह से स्थापित है। इसलिए न्यायाधीशों और वकीलों की संस्था को समाज और राष्ट्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में हमेशा रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अक्सर भारत को आर्य भूमि या आर्यवर्त के नाम से पुकारते हैं क्योंकि यह विद्वानों और भौतिक रूप से समृद्ध लोगों का देश है। उन्होंने कहा कि भारत और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक संबंध रहा है। 7वीं शताब्दी में तिब्बत के सम्राट ने प्राचीन भारतीय देवनागरी लिपि और वर्णमाला से तिब्बती लिखित लिपि को विकसित किया था। बाद में 8वीं शताब्दी में तिब्बत के सम्राट द्वारा चीन के साथ घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद भारत से तिब्बत में बौद्ध धर्म का परिचय किया गया था। उन्होंने कहा कि नालंदा परंपरा में तर्क और कारण का उपयोग किए जाने की वजह से हमें आत्मविश्वास और दृढ़ता प्राप्त हुई है। उसके लिए हम भारत के हमेशा आभारी रहेंगे। मैं 1959 से भारत में हूँ। एक तरह से मैं भारत सरकार का सबसे लंबे समय का मेहमान बन गया हूँ। दूसरी ओर देखा जाए तो मैं खुद को प्राचीन भारतीय ज्ञान, विशेषकर अहिंसा और करुणा सिद्धांत का स्वयं को संदेश वाहक मानता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ ये संदेश लेकर जाता हूँ। भारत शेष दुनिया के लिए एक जीवित उदाहरण है जहाँ सभी धार्मिक परंपराएं एक साथ रहती है। मैं भारत में मौजूद धार्मिक सद्भाव की बहुत प्रशंसा करता हूँ। So India, usually we describe Aryabhumi. भारत आर्य भूमि, लैंड ऑफ आर्य भूमि। सो नॉट ओनली आर्यन सर रेस इन ऑल सेंस आर्यन सर करो आर्य मीन्स द मोर मेंटली थ्रू स्पिरिचुअल सर सर से इन्फ्लुएंस पीपल मोर पीसफुल more honest, more truthful. Me personally, now since 59, I become refugee.
And one way I'm a refugee, one way I'm longest guest of Indian government. So now these days I describe myself as a messenger of Indian thought. Wherever I go, I always talk about ahimsa, karuna. So I truly, you see, they carry the ancient Indian message, karuna and ahimsa, wherever I go. One of my commitment is promotion of religious harmony. I have full confidence religious harmony possible. Look, India, over a billion human population and all world religion live together here. So, this is my commitment, promotion of religious harmony, also learn from India. It is a living example. परम पावन दलाई लामा जी का पटना हवाई अड्डा पहुंचने पर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की और उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दी। परम पावन दलाई लामा जी का डेढ़ महीने की दिल्ली, गोवा, मुनगोत, बोधगया और पटना की यात्रा के बाद 22 जनवरी 2020 की सुबह 11 बजे धर्मशाला पहुंचे। निर्वासित तिब्बती सांसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने ने श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर निर्वासित तिब्बती सांसद की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने लिखा कि आपने भारतीय राजनीति विशेषकर भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से पूरी निष्ठा के साथ सेवा की है। हमारी शुभकामनाएं है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और भी अधिक सफलता प्राप्त करेंगी। उन्होंने लिखा कि आप छात्र जीवन से ही परम पावन दलाई लामा जी और तिब्बत के समर्थक रहे हैं, अतः हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तिब्बत के प्रश्न पर आगे भी समर्थन और सहयोग देती रहेगी। अंत में हम तिब्बत के अंदर और निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों की ओर से भारत सरकार तथा भारतीयों द्वारा तिब्बत और तिब्बती लोगों के प्रति पिछले 60 वर्षों से समर्थन और सहयोग देने के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हम आपके सदैव आभार रहेंगे। इसके साथ ही अध्यक्ष श्री पेमा ने निर्वासित तिब्बती सांसद की ओर से हिमाचल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री राजीव बिंदल को हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। गत 18 जनवरी 2020 को होशियारपुर स्थित गुरुद्वारा शहीद सिंह के आमंत्रण पर निर्वासित तिब्बती सांसद के उप अध्यक्ष आचार्य ईशी फुनजोंग ने गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व समारोह और बाबा दीप सिंह के जयंती पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में आचार्य ईशी ने निर्वासित तिब्बती सांसद और तिब्बती लोगों की ओर से इस समारोह के आयोजकों का धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के महान योगदान पर जोर देते हुए कहा कि आज के समय में सिख धार्मिक परंपरा को श्रद्धालुओं द्वारा पूरे विश्व में, विशेषकर पंजाब में समृद्ध रखा गया है। उन्होंने परम पावन दलाई लामा जी और तिब्बत के प्रश्न पर कहा कि हम परम पावन दलाई लामा जी के मार्गदर्शन पर निर्वासन में रहते हुए भी अपनी धर्म, संस्कृति, कला तथा भाषा का संरक्षण कर रहे हैं। तिब्बत में पिछले 60 वर्षों से चीनी शासन है, जिसके कारण तिब्बतियों को अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित किया गया है तथा उन पर दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के शिक्षा विभाग, ड्रेबुंग लोसेलिंग ध्यान और विज्ञान केंद्र तथा एमोरी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 15 से 18 जनवरी 2020 तक पंथ निरपेक्ष नैतिकता अर्थात सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षण पर तीसरी मेंटर कार्यशाला का
ड्रेबुंग लोसेलिंग विज्ञान केंद्र में आयोजन किया गया था। इस चार दिवसीय प्रशिक्षण में 33 तिब्बती स्कूलों, महाविद्यालय और मठवासी विद्यालय के 48 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण को एमोरी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ गेशे लोपसांग तेंजिन नेगी, चुनडुप सांफेल और क्रिस्टा ठिनारी इत्यादि ने सहयोग प्रदान किया। इस कार्यशाला में प्रशिक्षण का लक्ष्य, प्रशिक्षण अवलोकन, शिक्षण का उद्देश्य, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षण की अवधारणा, इसकी रूपरेखा, इतिहास तथा पाठ्यक्रम इत्यादि पर प्रशिक्षण दिया गया। अपने समापन भाषण में सम्मानित अतिथि ड्रेबुंग लोसेलिंग मठ के मठाधीश गेशे लोपसांग समदेन ने कहा कि यह पंथ निरपेक्ष नैतिकता अर्थात सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षण का विद्यालयों में पहल परम पावन दलाई लामा जी द्वारा की गई थी। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इस शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन करने हेतु केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और अन्य संस्था के लिए लोसेलिंग ध्यान और विज्ञान केंद्र हर संभव मदद करेंगे। हाल ही में नव निर्वाचित यूरोपीय सांसद सदस्यों की एक बैठक में तिब्बत इंटरेस्ट ग्रुप का गठन किया गया। इस बैठक में यूरोपियन सांसद सदस्य सुश्री मॉली स्कॉट कैटो के अध्यक्षता में 7 यूरोपीय सांसद सदस्यों ने भाग लिया। इसमें तिब्बत कार्यालय ब्रसेल्स के प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत अभियान के कर्मचारी भी शामिल थे। सुश्री स्कॉट कैटो द्वारा नव गठित तिब्बत इंटरेस्ट ग्रुप की अध्यक्ष के लिए यूरोपीय संसद में चेक गणराज्य के प्रतिनिधि सांसद मिकोलस पेक्सा के नाम का प्रस्ताव किया गया। साथ ही तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि श्री टाशी फुनसोग ने तिब्बत इंटरेस्ट ग्रुप की संक्षिप्त पृष्ठभूमि का परिचय देते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद बैठक में सर्वसम्मति से उन्हें अध्यक्ष के लिए चुना गया। इस बैठक में यूरोपीय सांसद पेट्रा डी सुतर, सांसद मॉली स्कॉट कैटो, सांसद मिकोलस पेक्सा, सांसद इजाबेल सेंटोस, सांसद हेडे हेनस, सांसद ऑस्ट्रा मेल्डिकेनी और सांसद मार्टिन हेडवुड ने भाग लिया। तिब्बत इंटरेस्ट ग्रुप के नव निर्वाचित अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में यूरोपीय सांसद के प्रतिनिधिमंडल का धर्मशाला द्वारा तिब्बत पद वृत्त चित्र, फोटो प्रदर्शनी तथा तिब्बत इंटरेस्ट ग्रुप की नियमित बैठक के आयोजन के प्रस्ताव रखे। साथ ही उन्होंने तिब्बत इंटरेस्ट ग्रुप की संगठन को मजबूत करने तथा इसकी सदस्य संख्या बढ़ाने की योजना भी प्रस्तुत की। इस अवसर पर तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि श्री टाशी फुनसोग ने तिब्बत इंटरेस्ट ग्रुप के नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री पेक्सा को बधाई दी तथा यूरोपीय सांसद सदस्य सुश्री स्कॉट कैटो द्वारा तिब्बत मामले में योगदान की सराहना करते हुए उन्हें हार्दिक धन्यवाद दिया। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होते हैं। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।